की, भारत माता की। इनने इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की दो लाइन सुनाइए भाई, अभी भारत माता की। अरे और नहीं सुना पाया तो कपड़े उतार के घूमना पड़ेगा चांदनी चौक में। कपड़े मैं भी उतार दूं। और बताओ, उतार दो। सुनो बंदे, नहीं नहीं, अरे उतार दे अब, नहीं अब उतार दे, वैसे मजा नहीं आया। गांधी जी ने चश्मा पहना था, अगर गांधी जी बोल रहे हो तो गांधी जी का हटवा देते, सुभाष चंद्र बोस का हटवा दोगे, नरेंद्र मोदी का। अरे तुम हटाओ अंधभक्ति का चश्मा, अंधभक्ति का चश्मा बोलते हैं इसे, और बेवकूफी का चश्मा, ठीक है। चश्मा तो एजुकेटेड लोगों की निशानी है, कभी कभी किसी अनपढ़ के चश्मा नहीं लगा, ठीक। तो आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया, ये तो बताइए, सर पे अकल के अंधे हैं क्या आप? अच्छा बताओ, जो पौआ जो दारू की बोतल तुमने आज पी, 2014 में कितने की थी? आज दारू की प्राइस भूल गया, दारू पीने के बाद दारू का। सुनो भाई, इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। फैन किसके हैं बाबा? जुटलेश्वर के। तो जुटलेश्वर के तो झूठी बोलेंगे ना बाबा, जुटलेश्वर कौन है? अरे बाबा मोदी। आज आज तोते ही पहन का है, मोदी जी के तोते बन का है। सुनो, अटल सेतु उसका टोल, ठीक है, जितने टोल रोड बने उसका टोल, ठीक। और टोल रोडों के अलावा उन कॉलोनियों को जिस जहाँ से वो हाईवे निकलता है उसके बगल में जो सर्विस रोडें हैं वो आज तक नहीं बनी। गाजियाबाद का 360 लोनी रोड चैलेंज चल रहा है, 200 से प्लस दिन हो गए, कोई झांकने नहीं आ रहा, ठीक है। बात करें रोडों की, जिन रोडों पर टोल नहीं जा रहा वो रोड बन नहीं रहे, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हों, ठीक है। अब ये बता रहे हैं, ऐसा तो पिछली सरकारों के हजारों काम है, ठीक है, गिनाने लग जाओ तो वो कम पड़ जाएंगे। लाइब्रेशन की पॉलिसी, प्राइवेटेशन की पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, कहता है टेस्ला अपनी शर्तों पे आ रहा है। भाई ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत आ रहा है वो, अगर वैश्वीकरण ना हुआ होता देश में तो ग्लोबलाइजेशन में आता ही नहीं वो, ठीक तुम बात कर रहे हो, ठीक। निजीकरण की पॉलिसी के तहत ये सारे टोल वसूले जा रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों का टेंडर आया, निजीकरण की पॉलिसी तो है, कांग्रेस ने निजीकरण की पॉलिसी दी थी तो ये सारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस निजीकरण की पॉलिसी नहीं देती कुछ काम नहीं होता, और पहले सड़कें बनाने का काम लोक निर्माण विभाग का था, अब तमाम प्राइवेट कंपनियों को मिला, और उन कंपनियों को मिला जिन्होंने चंदा दिया, चंदे के बदले में धंधा दिया, 5 करोड़ का काम 50 करोड़ में किया, तो स्पीड तो बढ़ेगी। और फिर सड़कों को गिनने का पैमाना बदल दिया। बेसिक बात इसने एक भी नहीं करी कि आम आदमी को चाहिए हॉस्पिटल, आम आदमी को चाहिए स्कूल। मोदी जी के द्वारा बनाया हुआ एक स्कूल दिखा दो जो दिल्ली के मॉडल स्कूल से कंपेरिजन कर दे। मोदी जी एक स्कूल में जाना था गुजरात में, टेम्परेरी बेस पे स्कूल बनाना पड़ा था, 4 बच्चे बैठा के, ठीक है, टेंट में क्लासरूम बनाई थी। अगर मोदी जी ने काम किया होता तो एक स्कूल तैयार तो किया होता। सीता इंटर कॉलेज यूपी की फोटो आती है प्राइवेट स्कूल की कि देखो जी बेस्ट स्कूल है, किसी सरकारी स्कूल का बच्चा यूपी में टॉप नहीं कर रहा, दिल्ली के अंदर तो सरकारी का बच्चा भी टॉप कर जाता है। सरकारी का बच्चा IIT में जा रहा है, IIMs में जा रहा है, तो कुछ तो दिया ना केजरीवाल ने, ठीक है, स्कूल बना के कुछ तो दिखाया। मोदी सरकार ने उस तर्ज में एक भी स्कूल बनाया होता, जवाहर नवोदय विद्यालय राजीव गांधी की योजना थी, मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर दिया। केंद्रीय विद्यालय भैया पिछली सरकार कांग्रेस की योजना थी, उसको प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय भैया इन्होंने कर, अरे काम तो हर सरकार करती है लेकिन वो काम गरीबों के लिए कितना समर्पित है ये देखो। अटल सेतु का टोल 12,000 रुपये, गरीब जाएगा, ठीक है, हवाई जहाज बना दिए, 2-2 हेलीकॉप्टर, 3-3 हेलीकॉप्टर इसने बनाए, हम गरीब आदमी जाएगा। अंडर मेट्रो जो चलेगी रेल उसमें गरीब आदमी सफर करेगा, जनरल स्लीपर क्लास खत्म कर दिया ट्रेन के अंदर, उसमें गरीब आदमी सफर करेगा थर्ड AC में। पहले जनरल और थर्ड स्लीपर के डब्बे ज़्यादा थे, सब खत्म किए जा रहे हैं, किराया बढ़ाया जा रहा है। और सुविधा वंदे भारत की सैकड़ों वीडियो वायरल है असुविधा को लेकर कि उसमें पानी टपक रहा, उसका खाना खराब है, ये है वह, उन पर काम कौन करेगा? आज भी ट्रेन के अंदर अच्छा खाना लोगों को नहीं मिल रहा, प्राइवेट होने के बाद भी सुविधा इंप्रूव नहीं हुई। बस लोग कह रहे हैं जी भीड़ देखो, भीड़ भी देखो, तुम बिहार जाने वाली ट्रेन में भीड़ भी देखो कि थर्ड AC स्लीपर बना हुआ है और स्लीपर जनरल बना हुआ है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि भैया सुविधा कर दी मोदी जी ने, आज भी पुलिस वाला चालान काटता है तो क्या बिना पैसे लिए छोड़ देता है? कल 100 रुपये में मानता था, आज 500 में मानता है, ठीक है। एक पुलिस वाला 1,000 रुपये का हेलमेट का चालान के बदले 500 रुपये रख सकता है लेकिन 100 रुपये का मोदी सरकार हेलमेट नहीं दे सकती। 1,000 रुपये का चालान काट सकती है लेकिन 100 रुपये का, अरे हेलमेट दे दो, चालान काटने से आगे एक्सीडेंट होगा तो क्या उसके वो बच जाएगा, मरेगा ही ना। अरे 1,000 रुपये का चालान में 200 रुपये का हेलमेट भी दो से खरीद के, तब तो बात करें, ठीक। मतलब तुम चालान के लिए 1,000 रुपये ले सकते हो लेकिन एक हेलमेट नहीं दे सकते हो उसको, ठीक है। 10-10 हज़ार रुपये का पॉल्यूशन का चालान है, 50 रुपये का पॉल्यूशन हैंड टू हैंड करके दो, पॉलिसी तो ये कहती, ठीक है। चश्मा तुमने, हाँ बोलिए बोलिए, बताओ चश्मा, गांधी जी ने चश्मा पहना था, अगर गांधी जी बोल रहे हो तो गांधी जी का हटवा देते, सुभाष चंद्र बोस का हटवा दोगे, नरेंद्र मोदी का। अरे तुम हटाओ अंधभक्ति का चश्मा, अंधभक्ति का चश्मा बोलते हैं इसे, और बेवकूफी का चश्मा, ठीक है। चश्मा तो एजुकेटेड लोगों की निशानी है, कभी कभी किसी अनपढ़ के चश्मा नहीं लगा, ठीक है। बताओ क्या बोलो आप, बात जो है कि मतलब क्या बात पूछना चाहते हो और क्या बात का जवाब चाहते हो? मैं बताता हूँ, मोदी जी के फैन हो 10 साल, चलो सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो मोदी जी के शासन से अब तक? ना आपने रामायण खोल दी, रामायण थोड़ी ना चल रही है, आप मोदी जी के खिलाफ हो, इसका मतलब आप जो मोदी जी के खिलाफ, मैं देश का समर्थक हूँ,
नहीं नहीं समर्थक होगा मोदी जी का विरोध में हो जाएगा। आपने मोदी जी के ही खिलाफ क्यों बात क्यों रखी? दुश्मनी है, 15 लाख नहीं दिए मेरे, 15 लाख नहीं दिए आपके, क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुमने दारू पी रखी है। चश्मा लगा लीजिए, चश्मा स्मार्ट लगेंगे आप, चश्मा लगाइए स्मार्ट लगेंगे। हमने चश्मा काला इसलिए लिया है क्योंकि हम काले हैं, ठीक है ना, और हम दोबारा लगाते हैं सर के ऊपर क्योंकि हमारे सर के बाल लाल हैं, ठीक है ना। आप मोदी जी के खिलाफ इतने ज्यादा क्यों? मोदी जी ने आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, इसका मतलब आपको जो मतलब सरकार से पहले मतलब जिन लोगों ने आपको वादा किया था तो उन लोगों ने आपको मतलब पैसे दिए थे। अच्छा एक बात बताइए, आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अरे ये तो बताइए, सर पे अकल के अंधे हैं क्या आप? नहीं 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 नहीं, ये तो शायद आपको पता होगी। सर पे क्यों लगा रहे? सर पे आंखें हैं क्या अकल के अंधे? मतलब सर पे चश्मा क्यों लगा, इसका बात का भी जवाब दूं। आपने मुझसे क्या बोला कि आप अकल के अंधे हो? चश्मा तो आंखों पे लगाया जाता है, हम अकल के अंधे हैं। आपने भारत माता की, भारत माता की, हम अकल के अंधे। क्या होता है भारत, अब भारत बताओ, राष्ट्रगान की दो लाइन सुनाओ। नहीं नहीं, हम अकल के अंधे हैं, हम अकल के अंधे हैं। मैडम इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की दो लाइन सुनाइए भाई, अभी भारत माता की। अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम की दो नहीं हम चार सुनाएंगे। ये बताइए कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है, ये बताइए। आप इस बात का मुझे जवाब दे दो, वंदे मातरम की, वंदे मातरम कुछ भी से आप ये बताएगा? नहीं नहीं, वंदे मातरम का जवाब मैं आपको बराबर दूंगा। आप मुझे ये बता दो वंदे मातरम जब आता कब है, इस बात का मुझे जवाब दे दो आप। दे दूंगा तो सुनाएगा, चार लाइनें सुनाने, और नहीं सुना पाया तो कपड़े उतार के घूमना पड़ेगा चांदनी चौक में। कपड़े मैं भी उतार दूं, और बताओ उतार दो। सुनो बंदे, नहीं नहीं, अरे उतार दे अब, नहीं अब उतार दे, ऐसे मजा नहीं आया। मैं पता क्यों उतार रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं, तुम लोग मोदी के भक्त हो, पहले से बेशरम हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसकी जगह चार बातें और कह दो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मुझे क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि वंदे मातरम बोला कब जाता है, कब बोला जाता है। चलो आज जानकारी तुमसे ले लें, मुझे नहीं पता। अरे इनको नहीं पता, हमने चश्मा लगा लिया। अभी कौन बोला था कि भैया चश्मा लगाओ? हमने चश्मा लगा लिया, हमने दोबारा लगा लिया, लो लग गया। आप बता दो, आप बताओ कि बोला कब जाता है। और ये आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं है। हो जाएंगे ना जब वो स्कूल जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि वंदे मातरम कब बोला जाता है। कपिल शर्मा शो देखा है ना, वो कहता है तुझे पता है? कहता नहीं, कहता जब मुझे भी नहीं पता। आप बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे भाई एक चीज पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से महंगाई है कि नहीं, ये बताओ। एक मिनट, एक तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं है? मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है, मतलब मेरी कमाई के हिसाब से महंगाई नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो पौवा जो दारू की बोतल तुमने आज पी है 2014 में कितने की थी? अच्छा जो मैंने आज पी है, मैंने तो लगभग आज दारू की प्राइस भूल गया, दारू पीने के बाद दारू। तो सुनो मैं बताता हूँ ना कि ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब मेरे पीछे खड़े थे, मेरे पीछे खड़े थे, और ये देख रहे थे कि लेने के बाद और पीने के बाद जो बात बोलेगे ना, मैं इसकी पकड़ के ना अपनी बात डबल रखूंगा। अच्छा ठीक है, आप आ गए, क्या बोले भाई? महंगाई नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं मोदी? महंगाई आप बोलिए, कैसे महंगाई ये बताइए। हम बोले कि अगर आज से 20 साल पहले अगर साइकिल 150 रुपए की मिलता था तो इनकम कितना था? 4000 रुपए महीना। अगर अभी 4000 रुपए महीना मिल रहा है, अगर अभी साइकिल 4000 का महीना, 4000 का साइकिल मिल रहा है, कितना मिलता था 16 साल पहले? 1500 की थी इनकम, कितना होगा? 10 से 15 हजार होगा इनकम। अगर अभी 4000 का मिल रहा है, किसी की 50 हजार थी, किसी की 10 हजार थी, किसी की 4000 थी, सबकी अलग अलग थी इनकम। तो अगर अभी 4000 साइकिल मिल रहा तो इनकम भी तो बढ़ गया, इनकम भी तो 40000 रुपया हो गया है सबका, जो भी जो जिसकी। आप जो ये कहना चाह रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ी, आय भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं? अभी इसने नहीं, इसने बोला तो सही भाई ने, लेकिन एग्जाम्पल गलत चुन लिया। इनकम 3000 रुपए थी 10 साल पहले, है ना, 15 साल पहले, ठीक है, 3000 थी। आज इनकम जो लेबर हो गई वो 10000 रुपए हो गई, कितने बड़ी? 3 गुना, है ना। साइकिल 1000 की थी, आज 4000 की मिलती है, कितनी बड़ी? 4 गुना। हाँ मतलब मिनिमम 4000 की है, छोटी साइकिल नहीं है, बच्चों की। तब बताओ 5000 की साइकिल, यानी साइकिल की कीमत 5 गुना बड़ी और इनकम 3 गुना। अब बताओ आपको कैसे फंस गए, ये बताइए, महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। तुम्हारे घर दम है एकदम एसी? कहाँ पे रहते हो तुम? कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बिहार में तो एसी है भाई, इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। अच्छा बताओ, अभी दिखा देगा मोबाइल पे? मोबाइल पे नहीं है घर में, मोबाइल पे
नहीं घर का, हम अपना घर का फोटो दिखाए थे, समझ जाइए कि एसी एक नहीं है। अब तुम किसी और के घर का दिखा दो, कैसे मान लो तुम्हारे घर का। और क्या क्या हुआ मोदी राज में, और क्या क्या हुआ? कितने टन का एसी है? और कितने टन का एसी है? मुझे नहीं पता। पाँच टन का? बेचते लग रहा मेरे यार, पाँच टन का बोल दो। आप बताइए, पाँच काम बता दे। छोड़िए, क्या बोले? दस टन का बोल दो। मोदी जी का नहीं, कौन सी कंपनी का? दस टन का है। देखो, इनके घर में एसी है, कौन सी कंपनी का नहीं पता, कितने टन का नहीं पता। एसी देश में महंगाई नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है नहीं पता। ठीक है, देश में हर पल से सड़कें बन रही हैं, ठीक है, देश डेवलप कर रहा है और आज अमेरिका में बड़ी इज्जत हो गई, लेकिन कैसे हो रही है नहीं पता। तो भैया जैसा जैसे लोग है वैसा ज्ञान। फैन किसके हैं? बाबा झुटलेश्वर के। तो झुटलेश्वर के तो झूठी बोलेंगे ना। बाबा झुटलेश्वर कौन है? अरे बाबा मोदी, मोदी जी। ठीक है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, ठीक, और जनता में डालो फूट। बाकी भाई और बताइए क्या क्या काम हुआ? मतलब आप क्या पूछना चाहोगे? आप जो पूछना चाहोगे ना, मोदी जी के काम बताएं। मोदी जी के काम? तुम तो कहते हैं दीवाने हो रहे, जैसे लौंडिया दीवानी हो जाता है, पीछे पीछे घूमती है। मोदी जी के काम बताइए। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। और तीन काम का मतलब क्या हुआ? तीन ही काम क्यों थे? कभी ये भी पूछ लिया करो कि चार काम, पांच काम? चलिए पांच काम, पांच काम मोदी जी के, पांच काम। अरे पहले मेरी बात सुनो यार। देखो अब नहीं नहीं, अगर आप ये बात बात बार बार दारू की बात कर रहे हो ना, तो मेरे घर में कुछ सरकारी ठेका। काम बताइए, आप सुनिए, पांच काम बताइए। अब पांच काम का भी एक मतलब है ना, कि आप पांच काम किस तरीके के पूछना चाहते हो, क्योंकि मोदी जी ने बहुत तरीके के काम, विकास वाले काम, विकास वाले काम जो मोदी जी ने किए। तो मोदी जी ने थोड़ी किए, वो तो मोदी की सरकार में हुए हैं। तो पांच काम मोदी तो आएगा, अभी चाय बेचने वाला है ना मोदी, कल दूध बेचने वाले आएगा योगी। सबसे पहला काम जो मोदी जी ने किया, देश में डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, उसमें मैं तर्क के साथ देता। पहला, जब एक बार पार्लियामेंट में बिल आता है, राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होते हैं, मीडिया के सामने राहुल गांधी उस बिल को फाड़ देते हैं, तो उस वो कंडीशन अब नहीं बन रही, एक तरह से उस डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति को बगैर इन्फॉर्मेशन दिए और देश के अंदर राष्ट्र इमरजेंसी लगा दी जाती है। इस तरह अब लगी थी इमरजेंसी 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, कितना देश के साथ मतलब क्या लॉस हुआ, आप भी सब जानते हो उस चीज़ को। तीसरा काम जो किया, हमारी जो ग्लोबल रेपुटेशन है, ग्लोबल रेपुटेशन इंक्रीज हुई, जो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी हैं, रसिया के साथ में भी हैं। अगर अमेरिका बोलता है कि रसिया से तेल नहीं लेना है, आज भी हम सबसे ज़्यादा तेल रसिया से ले रहे हैं, 35% जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो रसिया से हो रहा, तो एक ग्लोबल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। चौथी बात, जो पब्लिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया, जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से, या फिर आप इतना काम बोला इन्होंने, इतना काम बोला क्या सही बोले? मतलब बीजेपी का दुर्भाग्य देखो, बीजेपी का समर्थन करने के लिए लोगों को पीनी पड़ रही है, दारू पीने के बाद उनकी मतलब कार्य याद आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र बचाया उन्होंने, ये कह रहे हैं मोदी जी ने। हाँ, जब लीडरशिप खत्म की, जब कोई प्रधानमंत्री 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो लोकतंत्र बच जाता है शायद। जब कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, मीडिया को इतनी फ्रीडम भी ना दे कि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा सके, और अगर सवाल उठा ले तो उसकी नौकरी चली जाए। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने नेशनल मीडिया छोड़ा और मोदी की सरकार में छोड़ा, कौन सी डेमोक्रेसी बची? ठीक है, कौन सी डेमोक्रेसी बचाई? ठीक, अब बताओ इसके अलावा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तानाशाही डिक्टेटरशिप के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सरकार पे लग रहे हैं। ठीक, वकील कह रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है भाई, पुलिस वालों की वीडियो वायरल हो गई कि खाना नहीं मिल रहा, नेता बलात्कार करने के बाद उस पर मुकदमा नहीं हो रहा, पॉक्सो एक्ट में उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो रहा है, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन होता है, ठीक है, ऑन कैमरा अधिकारी, ठीक है, वोटिंग को खारिज कर देता है, ठीक है, हस्तक्षेप कर देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, देश का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ऑन कैमरा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कह रहे हैं कि भैया ये डेथ है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, और ये कह रहे डेमोक्रेसी बचा ली। मतलब KFC वाला मुर्गों की फिक्र कर रहा है, KFC वाला कह रहा है कि चिकन मत खाओ,
भाई चिकन खाने से ना भैया मुर्गों को पीड़ा होती है। यानी मोदी जी डेमोक्रेसी को इसके बारे में कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी बचा मोदी जी राष्ट्रपति का अपमान करे, जो लोग इमरजेंसी लगाए और डेमोक्रेसी बचाने की दुहाई दे, ये कहां तक सच है? राष्ट्रपति सम्मान उसको तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति सम्मान बताता हूँ, जब राम मंदिर का पूजन हुआ तब राष्ट्रपति की फोटो देखी थी आपने? नहीं देखी थी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब राष्ट्रपति की फोटो देखी थी? अरे सर तब आप तब कहां थे राष्ट्रपति जी? जब सम्मान लगाए करके छोड़िए, आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए ये कांग्रेस के तलवे चाटने वाले कल भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी के ही हैं। ये सब सुधरने वाले नहीं है, ये सुधरने वाले नहीं है। ये जो बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, जब डेमोक्रेसी की अब कोई बात करें मणिपुर, मणिपुर जैसे कहूँगा वहाँ की संदेश खाली की बात, क्यों मणिपुर जाने में हवा जहाज से जाएंगे और वहां से कछुआ की चाल पकड़ लेंगे? तो इन पास कोई जवाब नहीं है। डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं ना, अरे 84 के डेमोक्रेसी कहां गई थी जब इमरजेंसी लगाया था? जब सिख दंगे हुए थे 77 में जब इमरजेंसी लगाया था, क्या डेमोक्रेसी? अरे डेमोक्रेसी मोदी जी के है जो तुम खड़े होकर मोदी जी को खा के मोदी जी को गाली दे रहे हो। क्या बोले मैं? तुमने 84 में क्या किया? मैंने एक मिनट, 84 में इमरजेंसी लगी तो तुमने क्या किया? क्या योगदान था इमरजेंसी को हटाने के पीछे तुम्हारा? तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या किया उस टाइम पर? और देश की मीडिया ने क्या किया और बाकी लोगों ने क्या किया जो भी चाटुकारिता कर रहे हैं? ठीक है, उनमें से एक रजत शर्मा जो था और इन जेटली का क्लासमेट था, तो उसने आवाज उठाई, वो बेचारा जेल में था। ठीक है, एक उसकी तो बात पता है। तुमने 84 के दंगों, 84 ठीक है, 84 में 75 में इमरजेंसी लगी थी तो तुम्हारा क्या योगदान था? एक बयान बताओ, तुमने कोई किताब लिखी हो उसके खिलाफ? तुमने कोई उसका काला सच? 19 महीने जेल काट के आया तुम्हारा भाई? हाँ, चचेरा भाई मेरा 19 उसको मिल गया 70 में। सुनो इमरजेंसी में 19 महीने जेल काट के आया। अरे हमने नहीं करे उस टाइम, हम नहीं थे उसमें, हम नहीं थे, हम पढ़ लिख रहे थे, हम नहीं थे उसमें, तो हम क्यों जाएंगे? लेकिन हमें तो याद है। और रही बात, सुनो अर्णब गोस्वामी सिर्फ इतना कह दिया था, अंटिनो माइनो का दिया था सोनिया गांधी को, अर्णब गोस्वामी जेल काट करके आया मीडिया के, तब तुम्हारी दूसरों पे उंगली उठाने से पहले, रजत शर्मा पर पहुंचने से पहले अर्णब गोस्वामी पर भी जाओ। ये मत समझो कि तुम ही बड़े ज्ञान लेके यहाँ बखारने आ जाते हो, तुम ज्ञान तुम सारा आज इंदिरा गांधी जिंदा है, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी जिंदा है, मैं क्यों सवाल करोगे? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी थी इमरजेंसी के दौरान पे देश की नेता, सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे, ये बताओ, सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी, तो सोनिया गांधी सवाल क्यों करें? राहुल गांधी, अरे क्यों ना करो, सुनो, अरे आज की बात करो, 24 में हम ये लोग डेमोक्रेटिक बात करते हैं, जब सुनाने लगो ना तो कहते तू उस टाइम था क्या, राम मंदिर, अरे ये क्यों नहीं कहते हो हमें मोदी? तुम ये क्यों नहीं कहते हमें मोदी? नहीं पर नहीं, हटने वाला नहीं है मोदी, हटने वाला नहीं है, जाओ तुम देख लेना 4 तारीख को आने के बाद। सुनो भाई, आज तोते ही पहन का है मोदी जी के, तोते बन का है, सुनो, तुम राजीव गांधी का सूट पहन के आए हो, सौदे करा था और गया भी अपने पर लगा के गया, बोफोर्स का योगदान जानते हो? अरे करगिल युद्ध में बहुत काम आया था बोफोर्स का, भी नहीं करना चाहिए अगर आज की बात करना है तो, नेहरू के विकास का गुणगान नहीं करना चाहिए, आज की बात हो तो आज के राहुल गांधी। हाँ और बताइए, जैसे हमने बोला आपको कि 5 काम आपने बताए कि तथ्यों के साथ आप फैक्ट के साथ रखिए, तो जो आपने महंगाई की बात की, महंगाई की बात की, तो महंगाई जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी 10% डबल डिजिट पे थी, और इसके बीच क्या है कि महंगाई को मेंटेन किया जा रहा, कोरोना का इफेक्ट आया, कोई ग्लोबल इशू भी रहे इस वजह से महंगाई रही, महंगाई को धीरे धीरे बैलेंस करने की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब बोलिए क्या बोलेंगे भाई, मोदी जी के शासनकाल में इतनी सारी दिक्कत आ गई, एक सुनो आज जिसको पेट्रोल महंगे लग रहे हैं ना वो सिंगापुर चला जाए, वहाँ पेट्रोल तो है लेकिन भराने वाला कोई नहीं है, ऐसे की जरूरत है। फोकस मोदी जी बाप जिंदाबाद, ऐसे घूम जाएगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ऐसे एक बार जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। एक बात बोलूंगा भाई साहब, साहब से क्यों पियो ये बताओ, बस दारू क्यों पियो? अच्छा लगता है यार, ये कपड़ा पहन के दारू पियोगे तुम? अच्छा लगता है, ब्राह्मण का भेद बना के दारू पियोगे तुम? क्या हुआ, ब्राह्मणवाद को भैया बदनाम कर रहे हो तुम? एक मिनट नहीं, देखो अच्छा खासा चोटी रखे हो, ये गमछा पहने हो, दारू क्यों पियो? गलत धर्म को बदनाम नहीं करो, चलो गलत, दारू नहीं पीनी चाहिए थी तुम्हें, दारू क्यों पी के आयो? दारू क्यों पी तुमने?